तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए अनहोनी होनी नहीं होनी भूसो होए। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। भगवान श्री राम पर उनकी अटूट श्रद्धा थी। तुलसीदास जी का जन्म श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था। तुलसीदास जी का बचपन बड़े ही कष्टों में बीता। कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तब उनकी माता का निधन हो गया। पिता ने इनको अपने लिए अशुभ मानते हुए इनका त्याग कर दिया। जब इनको घर से निकाल दिया गया तो एक दासी ने इनका लालन पालन किया। कुछ समय तक उस दासी ने लालन पालन किया, लेकिन उसके बाद उस दासी ने भी तुलसीदास जी को छोड़ दिया। तुलसीदास जी अकेले ही इधर उधर भटकते रहे और पूरा बचपन इनका बड़े कष्टमय जीवन से। जब तुलसीदास जी जवान हुए तो इनका विवाह रत्नावली से हुआ। कहते हैं इनको अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था। एक बार बरसात का मौसम था और इनकी पत्नी मायके में थी, तो इस बरसात में, भारी बरसात में ये अपनी पत्नी के घर पर पहुंचे। घर का मुख्य दरवाजा बंद था, तो कहते हैं कि एक सांप को रस्सी समझकर ये छत के जरिए उनके कमरे पर पहुंचे। उनकी पत्नी रत्नावली ने ये देखकर बड़ा अचंभा किया कि इस भारी बरसात में भी तुलसीदास उनके प्रेम में पड़कर यहां तक आ गए। उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर उतना प्रेम तुमने भगवान से किया होता तो अब तक तुम्हारा उद्धार हो जाता, तुम भवसागर से पार हो जाते। हाड़ मास को देख मम तापर जितनी प्रिय, तेसु आधो जो राम प्रति अवस मिटे भोगी। तुलसीदास जी ये सुनकर उसी समय उल्टे पैर लौटती। पत्नी को गुरु मानते हुए उन्होंने उसी दिन से प्रण कर लिया कि अब मैं भगवान के सिवा किसी से प्रीत नहीं करूंगा, किसी से मोह नहीं लगाऊंगा, किसी को याद नहीं करूंगा। तुलसीदास जी भगवान की भक्ति में लीन इधर से उधर भटक रहे थे, तभी एक समय उनके गांव में स्वामी नरहरिदास आए। स्वामी नरहरिदास ने तुलसीदास जी को भगवान राम की भक्ति का रास्ता दिखलाया। उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि भगवान राम के चरित्र का वर्णन करो, भगवान राम की कथा को जनमानस तक पहुंचा। तुलसीदास जी ने ये बात गांठ बांधी। भगवान राम की कथा की रचना करने के लिए तुलसीदास जी आतुर थे, व्याकुल थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। कहते हैं जब एक प्रेत से तुलसीदास जी की मुलाकात हुई तो उस प्रेत ने तुलसीदास जी को हनुमान जी का पता बताया। यह कथा हमने अपने पुराने वीडियो में विस्तृत बताई है। जब तुलसीदास जी हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी ने तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन कराए। भगवान राम के दर्शन करने के बाद तुलसीदास जी ने हनुमान जी की प्रेरणा से रामचरितमानस की रचना। इसके अलावा तुलसीदास जी ने दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंदिर, हनुमान बाहक, राम राधा नेहचू आदि ढेर सारी रचनाएं की। रामचरितमानस जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय है। भगवान राम के चरित्र पर आधारित यह कथा घर घर में पढ़ी और सुनाई जाती है। लोगों ने रामचरितमानस को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है। आज रामचरितमानस से तुलसीदास जी अमर। तुलसीदास जी की जयंती पर हम सभी तुलसीदास जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आशा करते हैं कि भगवान राम की कृपा हम सबके ऊपर सदा बरसती रहे। जय श्री।